यहाँ पे कुछ उत्तराखंड टूरिज्म ने बता रखे है कि यहाँ पे और कौन कौन से प्लेस है जहाँ हम घूम सकते हैं। बैठ दो। हेलो एंड वेलकम बैक टू अंजलि भापनी आर्ट। तो इस वक्त टाइम हो रहा है 6:28। तो हम इतनी सुबह क्यों उठे हैं और हम इतनी सुबह जल्दी से तैयार क्यों हुए हैं, आपको अगर ये पता करना है तो देखते रहिए आगे ब्लॉग। तो अभी मैं आई हूँ बागेश्वर। मलमड़ा रहती हूँ तो फिलहाल मैं बागेश्वर आई हूँ अपनी फैमिली के पास। तो हम तो देखते रहिए। कल रात भी तो आई थी बारिश, बारिश की वजह से नदियाँ भरी हुई हैं। ए मम्मी जा रही है, नहीं दिख रहा थी, अब देखना। हाँ दिख रहा थी। कल रात यहाँ बारिश हुई, वजह से यहाँ पूरा पानी भर गया चारों तरफ। तो पूजा करने से पहले हम यहाँ पर अपने पैर धोएंगे सरयू नदी में। मम्मी है, ये दीदी और ये पापा। लत्तू भी आएगी थोड़ी देर में, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक हम यहाँ पे जो पहले वाले काम है वो कर लेते हैं। ये कन्नू मम्मी और पापा ने पैर धो के जल चढ़ा दिया। अब हमारी बारी है पैर धोने की और फिर जल चढ़ाने की। तो हम पहले पैर धो लेते हैं। खतरनाक वाली आ रही है सरयू तो आज। हम लोगों ने धो लिए पैर, अब चलते हैं सीधा मंदिर की ओर। यह है बागेश्वर का बागनाथ मंदिर और यह है पुल आता जाने के लिए। नीचे नदी है और ऊपर है मंदिर। यहाँ पे हमें सुबह सुबह शनि पूजा करानी, तो हम लोग काफ़ी सुबह आ गए हैं यहाँ, क्योंकि शनि पूजन करना है। तो अभी बहुत सारे पंडित जी बैठे रहते हैं पूजन कराने के लिए। तो हम लोग अभी जा रहे हैं पूजन के लिए। ये है बागनाथ जी का मंदिर कुछ इस तरफ से। ये मम्मी पापा यहाँ पे पंडित जी के पास बैठे हुए हैं और अब हम यहाँ पे आपको मंदिर दिखाते हैं। ये है मेन मंदिर। लत्तू आ गई है। यह है मंदिर कुछ इस तरीके से। एक ये है, लत्तू अभी आई थी, अब वापस जाएगी क्योंकि वो तेल लाना भूल गई है। अभी वापस जा रही है। यहाँ पे ढोल बजाते हैं। तेल भी डाल, तेल भी यहाँ पे दीदी को कुछ नहीं आते हुए दूसरा दिया जला देना। तो अभी हम आए हैं भैरव मंदिर में। यह है भैरव मंदिर। तो ये है कुछ व्यू गोमती नदी का, जो कि साइड है मंदिर पे। तो यहाँ पे बड़ा सा पेड़ है और यहाँ से नदियाँ, वो आगे जहाँ वहाँ है वहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं, गोमती और सरयू साथ में मिलती हैं यहाँ पे। हम गए हैं मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे हैं। पापा जी नहला के गए, मम्मी अब उनको टीका करेगी और खाना खिला। ये
तो यहाँ पे पूजा ना कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो रखी है, काफ़ी देर तक दो बार में पूजा हुई थी कंप्लीट, तो दीदी और मेन थी तो ये हमने फटाफट से पूजा करवाई और उसके बाद शनि मंदिर में जाना था। तो यहाँ पे पहले पूजा करवा रहे थे पंडित जी, फिर हम शनि मंदिर में गए और जो भी था पंडित जी ने जो जो बताया था वो सब कुछ हमने कर लिया था। उसके बाद हम वापस यहाँ से घर को जाएंगे। अब हम घर को जा रहे हैं, पूजा हो गई है पूरी। नेक्स्ट पार्ट में देखिए कि हम कहाँ गए हैं घूमने के लिए और कन्नू को गुस्सा क्यों आया है। कमेंट करना, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।